अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास सिक्स में यूनिट नंबर थ्री में आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, हमने उसमें देखना है कि क्या इसमें हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे या एचसीएफ से सॉल्व। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, हाउ मैनी मेथड वी हैव लर्न फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम? यस टू। विच वन? यस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अदर मेथड डिवीजन मेथड। ठीक है, फॉर बोथ वी हैव यूज डिवीजन एंड एलसीएम मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टू नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीस ऑफ बम्बो that can be used to completely measure four bamboos having length 45 meter, 60 meter, 75 meter and 90 meter. ओके, बम्बो मीन कि वो जो वुड पीस होता है, ठीक है, जो फर्नीचर में यूज़ होता है, कहते हैं कि वो पीस एक उसकी ग्रेटेस्ट लेंथ हमने मेजर करनी है जबकि फोर लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, द फोर बम्बोज हैविंग लेंथ 45 मीटर, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ बम्बो डेट कैन बी यूज टू कम्प्लीटली मेयर फोर बम्बोज हैविंग लेंथ 40 मीटर, 60 मीटर, 75। कहते हैं कि एक इतना बड़ा वुड का पीस हमने की लेंथ फाइंड करनी है जिसके थ्रू ये तमाम लेंथ हम मेजर कर सकें। ठीक है, अब देखें जब हाइएस्ट की बात होगी, ग्रेटेस्ट तो हम ग्रेटेस्ट हम किस में यूज़ करते हैं? एच सी एफ में भी यूज़ ग्रेटेस्ट लीस्ट, मतलब एच सी एफ क्या हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो हाइएस्ट या ग्रेटेस्ट। तो ये क्वेश्चन हमने किस मेथड से, ये वर्ड प्रॉब्लम हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? एच सी एफ, जहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात आएगी वहाँ पे आपने एच सी एफ यूज़ करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब गिवन डेट वी हैव टू फाइंड एच सी एफ ऑफ द 45, 60 एंड 75 एंड 90 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन में। हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया, हमने प्राइम किया तो देखिए 45 का प्राइम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हमने 2, तो हमने 3 ले लिया। 15 3 are 45, 5 3 are 15, 5 1 are 5, then 60, 2 30 are 60, 2 15 are 30, 5 3 are 15 and 5 1 are 5, 60 के प्राइम फैक्टर्स 32 are 60, 15 2 are 30, 5 3 are 15, 5 1 are 5, 90, 45 2 are 90, 3 15 are 45, 5 and 5 1 are 5। ठीक हो गया ना, ये इस तरीके से, ये तो अब आपको आ गए हैं ना स्टूडेंट्स कि हाउ वी सॉल्व प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स आप लर्न कर चुके हैं, उसको यूज़ करते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स आप 45 के आगे 3 × 3 × 5, 60 आगे 2 × 2 × 3 × 5, 75 आगे 3 × 5 × 5 एंड 92 × 3 × 3 × 5। ओके, व्हाट इज एच सी एफ? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो चारों नंबर में एक जैसा नंबर मौजूद हो, जैसे कि अब ये 3 है, 45 में भी है, ठीक है, 45 में भी है, 60 में भी है, 75 में भी है एंड 90 में हमने 3 ले लिया। अब ये देखिए ये 5 है तो 5 भी सब में आ रहा है, तो हमने 5 ले लिया और जो पेयर्स नहीं बने उनको हमने छोड़ दिया, यानी कि जो तमाम नंबर्स में अब ये अन कॉमन फैक्टर्स से 3, 2, 2, 5, 3, इसको हमने छोड़ दिया। ओके, एच सी एफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 × 5, 15, द ग्रेटेस्ट लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ बम्बो दैट कैन बी यूज टू कम्प्लीटली मेयर्स। ठीक है, तब कितनी लेंथ होगी उसकी? 15 सेंटीमीटर। हाइएस्ट लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 15 सेंटीमीटर है, जो कि इन सबको मेजर कर सकती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हो गया आपका पार्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री कहते हैं, टायरा गेस्ड दैट शी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ ज़कात
exactly among needy persons. If she gave rupees 25, rupees 30, 45, and rupees 50 and 90 to each person, find the least amount of zakat Tyra has to pay. ठीक है, कहते हैं Tyra ने गेस किया कि उसने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ज़रूरतमंद लोगों में ज़कात देनी है. इफ़ शी गेव, अगर वो 25 रुपीस 25, 30, 45, 50 और 90 हर बंदे को देती है, तो फाइंड द लीस्ट ऑफ ज़कात दैट Tyra हैज़ टू पे, तो कम से कम अमाउंट फाइंड करें जो Tyra ने पे करनी है. आप देखिए लीस्ट की बात आ गई है, तो यू नो जब लीस्ट है मीन कि हमने क्या यूज़ करके इसको फाइंड करना है, बाय यूजिंग LCM, हाईएस्ट ग्रेटर बिगर आ जाए तो आपने क्या करना है, HCF यूज़ करना है. स्मॉलेस्ट लीस्ट, ठीक है, ये वर्ड आ जाए इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में तो आपने क्या करना है, LCM से करना है. तो वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है ना, 25, 30, 45, 50 एंड 90 के हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. पहले हम 2 से कर लेते हैं, ठीक है, सब नंबर्स को. तो 50 हमारे पास डिविजिबल है. फिर हमने 3 कर लिया, 3 5 15, 3 15 45, 3 15 45. अब आपके पास क्या है, दोबारा डिविजिबिलिटी 3 यूज़ हो रहा है, यानी कि 3 5 15, 3 5 15. देन अब ये तमाम नंबर डिविजिबल बाय 5 है, तो हमने 5 ले लिया, 5 5 25, 5 5 5, 5 5 5, 5 5 25, 5 5 5. ओके, अब ये 5 पे डिवाइड हो गया. अब देखिए LCM क्या है, 2 × 3 × 3 × 5 × 5. 2 3 6, 3 5 15 और 5, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 450 लीस्ट अमाउंट, यानी कि कम से कम जो उसने ज़कात दी, लीस्ट स्मॉलेस्ट अमाउंट जो उसने ज़कात की थी वो कितनी थी, 450. तो ये आ गया आपका इसका आंसर. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द ऑरेंजेस दैट कैन बी पैक्ड एंड कैरिड हैविंग कैपेसिटी ऑफ 45, 40 और 60 मैंगोज पर कैरिड. कहते हैं कि लीस्ट नंबर ऑरेंजेस के कम सबसे स्मॉलेस्ट जो है, मालूम करें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा. ठीक है, जबकि कैरेट्स हैविंग कैपेसिटी, जबकि कैरेट्स में कितने ऑरेंजेस आ सकते हैं, 45 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं और 60 ऑरेंजेस पर कैरेट, हर कैरेट में इतने ऑरेंजेस आ सकते हैं. तो अब इन ऑरेंजेस में स्मॉलेस्ट हमने मालूम करना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा. ठीक है ना, कि जो हम यूज़ करेंगे हर कैरेट में जितने होने चाहिए उसमें, 45, 40 और 60 तो हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट यानी कि कम, उनकी जो कम रेंज होगी वो क्या होगी. ठीक है ना, सबसे कम नंबर्स उनमें कौन से होंगे. तो देखिए, वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 45, 40 एंड 60 बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, वही मेथड है. क्या कर लिया हमने, 45 2 पे डिविजिबल है, 40 और 60, तो 2 से स्टार्ट कर लिया, 22 are 40, 32 are 60, 45 आ गया, देन 10 2 are 20, 15 2 are 30, देन 45, 10 2 are 20, 15 2 are 30, देन 10 5 2 are 10, 15, देन 15 3 are 45, देन 5, देन 5 3 are 15, फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 5 are 15 और 5 5 नीचे, देन 5 पे डिविजिबल है. अब LCM क्या आ गया, इन सब का आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 360 आ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 360. ठीक हो गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितने हो आ जाएंगे ऑरेंजेस के आपके पास, 360. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर टू कैंडीज डेट कैन बी पैक्ड इन पैकेट्स ऑफ 12, 24, 60 और 144 कैंडीज पर पैकेट. लीस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, कैंडीज का स्मॉलेस्ट नंबर डेट कैन बी पैक्ड इन 60
12, 24, 60 or 145 पैकेट पर पैकेट में ये कैंडीज पैक हो रही हैं। हमने क्या फाइंड करना है, उनका लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, इन तमाम का ये जो कैंडीज के नंबर गिवन है इसमें हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि फाइंड करना है। लीस्ट की बात आ गई दोबारा से तो वही एलसीएम ही है, डू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इन नंबर को हमने क्या कर लिया, डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड किया। 2 6 are 12, 2 12 are 14, 24, 32 are 60 and 72 are 144. Then 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 15 are 30, 2 36 are 72. Then again is divisibility rule to apply हो रहा है 636 पे, सो 3 कम एज इट इज़, 2 3 are 6, 15 भी ऐसे आ जाएगा, 18 2 are 36, दोबारा से 2 पे डिविजिबल है क्योंकि 18 आ रहा है, 2 3 3 15 हमने ऐसे ही लिख लिया और 2 9 are 18। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल 3 अप्लाई हो रहा है तो हम 3 ले लेते हैं, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 3 are 9, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, 3 पे दोबारा से हम 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 मौजूद है, 3 1 are 3 और 5 ऐसे लिख, और लास्ट प्राइम नंबर 5 ले लिया, तो ये आपके पास आ गया 2 multiply by 2 multiply by 2। ठीक है, तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए हमने तो हमारे पास 720। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडीज पर पैकेट इज 720, यानी कि आपके पास क्या है कि 720 लीस्ट नंबर आ गए इन कैंडीज का, कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 720। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वर्ड प्रॉब्लम है, आपने देखा है जहाँ पे लीस्ट नंबर की बात हुई थी वहाँ हमने एलसीएम यूज़ कर लिया, जहाँ पे हाईएस्ट की बात हुई थी वहाँ पे हमने, जहाँ ग्रेटर की बात आ जाए वहाँ हम एचसीएफ यूज़ कर लेंगे, और उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें तो कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये यूनिट टुडे आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने लर्न कर लिया इस यूनिट में, आपने तमाम चीज़ें लर्न कर ली, व्हाट इज प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या हैं, फिर हमने लर्न किया कि व्हाट इज़ एच सी एफ, व्हाट इज़ एल सी एम, व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस यूनिट में कवर की हैं, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज एवरी क्वेश्चन वी हैव डन। ठीक हो करना स्टूडेंट्स, तो काइंडली कंप्लीट योर ऑल द यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली अपना वर्क कंप्लीट करें, और जब आप स्कूल्स आएंगे इंशाल्लाह तो रिमेंबर कि ये चीज़ें हम आपको दोबारा नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया, तो काइंडली घर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपना वर्क कंप्लीट करें, और अपनी कापीज भी कोशिश हो तो स्कूल भेज दें कि हम चेक करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया, और आपका मंथली टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो डू ऑल द वर्क इन योर कॉपीज। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।